का पाप का गड़ा भर गया और आज एक और घटना सामने आई है। ओरिजिनल ऐसे ही दिखाया गया है, जब ओरिजिनल बोले ऐसा कुछ है भूल से तो किसी पर भी ये आप और हम पर आए दिन ऐसा कभी भी हो सकता है। कोई सामान मैं कह रहा भूल हो गई उसे, भूल से अपनी कॉटेज निकालता भूल गया जो लाइसेंसी है। सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको ठीक है विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल जिसे अपने भाई की भूल बता रहे हैं, वही भूल उनके और उनकी पार्टी के गले की फांस बन गई है। प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल जब नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए तो मामला इतना बिगड़ गया कि सियासत हावी हो ही गई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक है। यह और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए यह घटना अत्यधिक चिंताजनक है और यह और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हासप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आज आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। वहीं विधायक के भाई के पास से 40 जिंदा कारतूस, पिस्टल, क्लीनिंग रॉड, 3 आईफोन, 2 स्मार्टफोन और 4 सिम कार्ड जो कि भारत और नेपाल की कंपनियों के हैं, यह सब बरामद किए गए हैं। और अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर विधायक के भाई ऐसा कौन सा ठेकेदारी का काम करते हैं जिसमें उन्हें इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। और वहीं विधायक अब सफाई भी दे रहे हैं, पल्ला भी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही अपने भाई को बचाने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर प्रमोद नैनवाल फिलहाल धर्म संकट में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा भाई, क्योंकि हम अलग रहते हैं, हम उनका परिवार अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, वो हल्द्वानी में अपने बच्चों के साथ रहता है, उसका कारोबार भी अलग है, ठेकेदारी का काम करता है। उसकी लाइसेंसी, उसके पास पिस्टल है। कल जो मुझे बताया कि कल जब वो क्योंकि वो लेबरों के काम से बनबसा आते जाते रहता है, तो लेबरों को लेने के लिए जब वो जा रहा था जल्दीबाजी में, जो बैग था उस बैग से, बैग की बाहर की जेब में उसकी लाइसेंसी जो पिस्टल थी उसकी गोलियाँ निकालना हूँ जल्दीबाजी में भूल गया। और जब वहाँ SSB ने चेक किया होगा तो वो निकल गया। उसके बाद SSB ने पुलिस वालों को बुलाया, तो फिर उसके बाद जब SSB और पुलिस के आने के बाद उनने कागज मांगे तो उसने ओरिजिनल जो रसीद की है, पिस्टल की गोली की जो रसीद है वो, और पिस्टल का ओरिजिनल लाइसेंस। विधायक ने लंबी चौड़ी दलील जरूर दी है, लेकिन मामला क्योंकि सियासत से जुड़ा है तो सियासत में इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होता, छोटा सा दाग भी आसानी से नहीं धुल पाता। और जब सवाल विधायक के भाई का है और जिस तरीके से उसको पकड़ा गया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने अब लाजमी हैं। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत संवेदनशील भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो ये एक साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस है जो हमारे संबंधों को भी दुष्प्रभावित कर सकता है और जो हमारी सुरक्षा को भी, उत्तराखंड की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। मामला सिर्फ विधायक के भाई का ही नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक के भाई का है और इसलिए सफाई भी जोरदार देनी पड़ रही है। मगर इस सफाई से क्या मामला शांत हो जाएगा यह समझना भी मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी वही बातें कह रही है जो विधायक प्रमोद नैनवाल कह रहे हैं। लाइसेंस की रिवाज तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने उनका खरीद के कागज मंगा दिए उनको पहुंचा दिए गए, उसके साथ साथ उनका रिवार्ड का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल, पहले फोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना, उनका ओरिजिनल भेजा उसको पहुंचा दिए गए, ठीक है एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। और आज आप क्या कहते हैं लेके गए और 40 कारतूसों के संग आपको पकड़ा है सीमा सशस्त्र बल ने और अब प्रशासन जो है उनको समय दे रहा है कि आप लाइसेंस दिखा दीजिए, ये किस ओर को, किस दिशा की ओर को भारतीय जनता पार्टी देश को और राज्य को ले जा रही है ये समझने वाली बात है। आइए हम सब इसका विरोध करें और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को हम सबक सिखाएं।
मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इस पर सियासत भी आक्रामक होगी और यह तो तय है। मगर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विधायक की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए विधायक के भाई को बचाने की कोशिश की गई। इस बात को लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एसएसबी ने अपनी तहरीर में यह भी कहा है कि जब गाड़ी से कारतूस बरामद हुए और पूछताछ के लिए विधायक के भाई को रोका गया, उनसे बोला गया, तो वह गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिर काफी देर बाद वह लौटे और लौटने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके की दलीलें दी हैं। सवाल बड़ा यह है कि आखिर जब सब कुछ ठीक था तो विधायक के भाई को भागना क्यों पड़ा, और जब वह भागे तो गए कहां, और गाड़ी में क्या और सामान था। इसे लेकर भी सवाल बरकरार हैं, जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं।